बोलो खाटू नरेश की जय। इस पैरों में छाले हो चुके हैं, सच में बैठ चुके हैं ऊपर बिल्कुल आराम से, बहुत मजा आ रहा है जाते जाते, पर अब आ गया कैसे लटक रहे हमारे नीचे से रोड, इंजन लोड नहीं चल पा रही हो हमारो, फिर भी हम कोशिश करियो जा रही है। तो हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपको मेरी स्माइल देख के पता चल रहा होगा कि कुछ अच्छा करने वाले हैं, जो कि आपको व्लॉग का टाइटल और थंबनेल देख के पता चल जाएगा कहाँ पे चलने वाले हैं हम। तो चलते हैं, अभी तो फिलहाल आ चुके हैं अपन बस्सी रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन आने के बाद चलते हैं। आज सूट का प्लान नहीं है अपना, कुछ और है, हम दोनों जाएंगे और यहाँ से श्याम भाई भी मिलेगा एक और, हम चार जने जाएंगे। देख लेना, आपको आगे सब कुछ पता चलता रहेगा न्यूज की तरह, देखना आप बने रहना व्लॉग में, बहुत शानदार व्लॉग होने वाला आज का। तो चलते हैं, आ चुके हैं अपन गांधीनगर से, थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और ट्रेन को रोक के रखा है यहाँ पे। राहुल भाई भी आ चुका है चश्मा लगा के, डॉन बन के, और यार श्याम भाई का मास्क ही नहीं उतरता कभी, नहीं उतरूंगा मैं आज, नहीं उतरूंगा वैसे। तो अभी ट्रेन तो रुकी हुई है, देखते हैं जंक्शन पे भी रुकेगी आगे, फिर चलेंगे, देखते हैं उससे आगे आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा। गाइज हम जा रहे हैं अभी टिकट कटवाने, गाइज अब कर लिया स्पीकर स्टार्ट और अब चलेंगे खाटू वाले बाबा के गाने, और देखो स्पीकर स्टार्ट के बाद तो हम चारों जा रहे हैं अभी तो, और बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है पूरी ट्रेन ही खाटू बाबा की जा रही है। गाइस अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, तो बैक लो भाई आप, बैक रुक कैमरा इधर, भजन चल रहे हैं, भजन श्याम बाबा का मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी भी पर मनीष भाई मूड ऑफ लग रहा है इसका, देख नाचे क्या शकल ही ऐसी है भाई की, भाई की गलती नहीं है, शकल ही ऐसी है भाई की। चलते हैं, आ चुके हैं अपन सिंगल जंक्शन पे आ चुके हैं, अब चलेंगे खाटू बाबा के, यहाँ से देखते हैं कैसे चले। गाइस यहाँ पे जनता जा रही है ना, सारी खाटू बाबा के जा रही है, देख सकते हो आप। हम भी वहीं जा रहे हैं गाइस, हमको पता नहीं है खाटू श्याम जी के इधर से ही जाना है क्या, पर यहाँ पे सारी जनता इधर ही जा रही है, तो इनके साथ हम भी इधर ही जा रहे हैं। देखो बहती गंगा चल रही है, वैसे गाइस 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 चलते रहे, देखो कितनी भीड़ चल रही है, कितना आगे चल रहा है, इसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये ना हमको ले आता है और फिर भगता है आगे आगे और फिर रास्ता भूल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसको पता ही नहीं है कि चलना कहाँ है, बस आगे आगे चलता रहता है, इधर देखता है कभी इधर देखता है, रास्ते का मालूम ही नहीं होता, कोई भी मिलता है ना छोटी जगह वहां घुस जाता है और फिर बोलता है इधर से चलो, फिर बोलता है नहीं आप ही तो लेके चल रहे थे, अब जब आगे आगे खुद भगता है, देख लो अब भी आगे ही है। मनीष आपको बताऊंगा, मिस्टेक तो करेगा ये जरूर। तो चलते हैं अभी तो कुछ नहीं, मेरी वजह से, मैं चलो मैं आप लेके चलो उधर, चल चलो ले चल मेरे पीछे, चल मेरे पीछे चल, तो देख 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 देखो पांच कभी चल जाएगी कोने। गाइस हमारा प्लान है पैदल चलने का, वैसे पैदल जाने नहीं वाले हम क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, पैदल घर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे इसी वजह से नहीं जाने वाले, पर जो मनीष भाई है ना हमारा, उसको डर लग रहा है पैदल चलने से, तो उसको बोलते हैं हम कि पैदल चलेंगे पैदल चलेंगे, बोल के उसका दिमाग ही खराब हो रहा है, एक बार देखते हैं बात, अभी बोलेंगे भाई उससे, बोलेंगे मनीष से कि भाई पैदल ही चलेंगे, मनीष भाई पैदल ही चलेंगे, तेरी क्या राय है बता। नहीं भाई हमें तो गाड़ी से जाऊंगा भाई, मैं हम लेके चलेंगे इसको, देखना आप कैसे भी घीस के कैसे पकड़ के लेके चलेंगे पैदल, डर लग रहा है इसको पैदल चलने से, बहुत भयंकर डर रहा है पैदल चलने से। श्याम भाई मनीष भाई क्या बोल रहा है पैदल के बारे में, वो बोल रहा है कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, रोने लग गया, पर हम फिर भी पैदल लेके जाएंगे उसको यार, रिक्शा वाले पास जाने, रोने की एक्टिंग कर रहा है वो कि मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा पैदल, बोल रहा मैं बैठ के जाऊंगा, हम ठहरे साले वैसे मजाक कर रहे पैदल, पैदल कोई नहीं जाएगा, बस इसको चिढ़ा रहे हम कि पैदल ही चलेंगे पैदल ही, क्योंकि चिंता बहुत जल्दी बहुत जल्दी मतलब वो हो जाता है गर्म, तो उसी वजह से उसको चिढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, जो जल्दी गर्म होता है ना उसी को, तो इसी से मजे ले रहे हैं बढ़िया। तो अभी चलेंगे फिलहाल बैठ के ही चलेंगे यार, लेट हो जाएंगे वैसे चलेंगे तो चलते हैं। गाइस अगर ये बैठ के जाएगा किसी रिक्शे में तो रिक्शा भी नहीं जाएगा,
अब देख ले तू, हम नहीं जाने देंगे इसको बैठ के बिल्कुल भी नहीं। ना ये जाएगा ना इसका रिक्शा जाएगा, ये कुछ नहीं। उतना ही देखो धीरे धीरे साइड साइड ले रहा है, चिपके जाने की सोच रहा है। आजा आजा आजा, अपना पाएगा। भाई हम तो इसके साथ ओनली मजाक कर रहे हैं, पर ये ना डर रहा है भयंकर। थैंक यू जय श्री श्याम। गाइस यहाँ पे सेवा करने वाले भाई साहब ने बोतल ले ली है। बहुत अच्छा लगा यार इनको देख के कि सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है गाइस सेवा करना। हम भी कोशिश करते हैं सेवा करने की, पर अभी तक तो क्या हम बताऊँ आपको, हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, सेवा तो कर ही नहीं सकते, क्या है क्या बताऊँ। वैसे जितना हो सकता है उतना करते ही है कुछ भी, पर अभी तो नहीं हो पा रहा वो सिस्टम। तो चलते हैं अपन इंजॉय करते करते, पानी की बोतल मिल ही चुकी है। पीछे रह चुका मनीष भाई, वहीं पे बैठ गया, आ रहा है धीरे धीरे। गाइस देखो कितने पीछे घूम रहा है, हम रुके तब आकर पहुंचा, नहीं चला जा रहा तेरे से। भाई कौन आ रहा तेरे को, बस की नहीं है इसकी भाई की। आप देख सकते हो इसकी स्थिति, हाँ बहुत खराब है, बहुत खराब हो गई। पैदल चला ही नहीं जा रहा बेचारे से। देखो ये कितने पैदल जा रहे हैं, और ये नौजवान युवा इससे नहीं चला जा रहा। देखो बच्चियां भी पैदल जा रही है, बच्चे भी पैदल जा रहे हैं। चल 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 ले आजा, चलते हैं गाइस। आजा यार आजा गाइस, ये घर जाने की धमकी दे रहा है हमको, हमारे पास इसका चार्जर है, बोल रहा है तुम शाम तक पहुंचोगे पैदल पैदल वहां तक। कितनी दूर है यार, बता बता। चार्जर नहीं दे रहे पर इसको चार्जर नहीं देंगे, चार्जर है हमारे पास। गाइस अब रोने लग गया क्या, अब रोने लग गया क्या, इसको बताएगा। अंडिया रुक जा रुक जा, देखो चार्जर कैसे कोस रहा है देखो। तो भाई आपको तो पता ही है पूरा सिस्टम, सकल देखो बेचारी। देखो गाइस जहाँ तक भी दिख रहा ना, जहाँ तक लोग जा रहे हैं आपको। गाइस अभी कुछ देर से तो मनीष भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा कि मेरे को बैठ के चलना है, अब चल रहा है हमारे साथ पैदल। तो अब तो चलते हैं इसका, लगता है हो गया रेडी। अभी पानी फेंक रहा मेरे ऊपर, देखो इसकी हरकतें देखो। ओ गाने चला रहा, गाने बंद कर भाई, बंद कर बिल्कुल। मैं सब गाने बंद कर, हमारे साथ चलना होगा तो गाने बंद करने होंगे। दोबारा मिल पानी की बोतलें तो पी के चलेंगे अब वापस। देख ले तेरे लिए पानी की बोतलें लगवा रखा हूँ। सब कुछ गाइस जहाँ तक दिख रहे हैं ना वहाँ तक भीड़ जा रही है। टोल तक पहुँच चुके हैं, टोल तो अभी 1 किलोमीटर है। देखो ये रहा गेट, टोल गेट। और ये भाई तो बहुत भयंकर हो चुका है परेशान। मनीष भाई शकल दिखाना एक बार। ओहो 12 बज चुके हैं इसकी शकल में तो। मनीष भाई को देख के वो लड़की भाग गई है, इसके पास पास चल रही थी, जा रहे हैं पैदल ही जा रहे हैं अब। और मनीष भाई ने जोश दिखा दिया, मनीष भाई ने भी जोश दिखा दिया हमारे साथ साथ, अब ये भी जाएगा पैदल। पहले रो रो के जा रहे थे, अब खुशी से जा रहे हैं। नहीं ऐसी क्या मन्नत मांग ली भाई जो इसको चलवा रही है पैदल। यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करने के लिए बोल रहा मनीष भाई, तो देखते हैं करते हैं। हटा ले तू मेरे को, दुख हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, उनमें मैं सब सुन रहा हूँ, वो ऐसे लगा रखा हूँ बस। गाने चल रहे हैं मेरे को पता है उसमें भाई, नहीं चल रहे स्लो म्यूजिक में देख। नहीं चल रहे भाई, शौक के लिए लगा रखा है यहाँ पे डेमो देने के लिए। शौक की बात नहीं, कॉल आ सकता है, पता नहीं चलता है कॉल आ सकता है। तो रेस्ट कर लेते हैं 2 मिनट। 6 किलोमीटर तो आ चुके हैं अपन, अब बचा है यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है, तो 11 किलोमीटर भी पैदल ही तय करना होगा। दौड़ते चलते भगते जा रहे हैं, जो मनीष भाई बहुत आगे चल रहा है। पता नहीं ऐसी क्या मनोकामना मांग ली उसने, बहुत फास्ट चल रहा है वो। तो चलते हैं हम भी। गाइस हमने आधा रास्ता क्लियर कर लिया, 9 किलोमीटर है यहाँ से, और 9 किलोमीटर क्लियर कर लिया। अब हमें बैठ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी ट्रेन आएगी लगभग 3:45 के लगभग रिंगस, तो हमको वापस भी जाना है, तो इसी वजह से अब हमें बैठ कर जाना होगा क्योंकि किसी साधन में, क्योंकि लेट हो जाएगी ट्रेन और फिर हम घर नहीं जा पाएंगे। किसी दिन प्लानिंग से आएंगे पैदल के लिए, आज का पैदल का हमारा कोई प्लान नहीं था, बस ओनली
मनीष भाई को थोड़ा इसको परेशान करवाएगा था, खतरनाक चल रहा था, इनके लिए वेट कर रहा हूँ भाई। सारे रोते रोते आए अभी 2 घंटे में। फिर भी हमें बहुत मजा आया पैदल चलने में, क्या पता एक जुनून सा था भाई, चलना है तो चलना है, मतलब अंदर से टाइम का इशू है वरना और कोई वजह नहीं है, वरना पैदल ही करते यात्रा, बैठ के चलेंगे। गाइस मिल चुकी है टेरेक्स अबे, और अब इसमें जा रहे हैं ऊपर बैठ के, मस्त एंजॉय। देखते हो आप कि हम कैसे निकल रहे हैं नीचे से रोड। गाइस देखो मेरी वजह से कितने उठाने पड़ रहे कष्ट, इनको देख लो आप। गाइस इसकी वजह से कुछ नहीं, हमारा रीजन पैदल चलने का था, पर इसने ये रो रहा था उसी वजह से हम चलो, हम सोचे चलो ये रोना चालू करेगा ना तब तक चलेंगे बैठ के, पर ये रोया ही नहीं। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हमें पैदल चलने का था प्लान। कैसे ट्रेन देखी ना हमने कि इस टाइम पे आएगी, उसी वजह से हम बैठ के आ गए। तो देख सकते हो माहौल, चलो भाई सारे मरेगा। बैठ चुके हैं ऊपर बिल्कुल आराम से, बहुत मजा आ रहा है जाते जाते, पर अब आ गया चुका ट्रैफिक देखो बहुत तगड़ा। यहाँ से तो शायद होगा अभी तो 4-5 किलोमीटर, तो भाई 1:27 हो चुके हैं और पहुंचने वाले हैं अपन तोरण द्वार के पास। बहुत बेसब्री से इंतजार है अपना, ट्रैफिक बहुत भयंकर है इसी वजह से गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही है अपनी। गाइस उतर चुके हैं अपन टेरेक से और अब होगा हमारी बहुत खतरनाक भीड़ से सामना। कैसे कैसे पहुंचेंगे हम अंदर देखते हैं, बहुत मुश्किलों के साथ पहुंचना पड़ेगा आप लोगों को अंदर। टीका लगवाएंगे, आगे लगवाएंगे, चलते हैं तो भीड़ का सामना करते हुए फटाफट, क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़ना है अभी। पहले दर्शन तो कर ले यार, पहले ट्रेन की सोच रहे हैं, चलो चलते हैं। गाइस आ चुके हैं तोरण गेट के पास में, तो फोटो वगैरह शूट कर लेते हैं थोड़ी सी। गाइस पहुंच चुके हैं बिल्कुल, तो गाइस अभी तो चलते हैं दर्शन करने वरना बहुत लेट हो जाएंगे, चलते हैं। रेलगाड़ी की तरह चल रही है, फास्ट बहुत फास्ट मेरी गाड़ी, ट्रैफिक ज्यादा है यहाँ पे, थोड़ा अर्जेंट 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 है, मैं अर्जेंट दर्शन कर रहा हूँ। सायरन सायरन बजा दिया फिर भी नहीं, क्या कर रहे हैं, पैरों में छाले हो चुके हैं सच में। श्याम बाबा रुक जा, श्याम बाबा बहुत आगे भग रहा है, अब चलते हैं। गाइस पैरों में छाले हो चुके हैं सच में। ओ भाई श्याम बाबा रुक जा, श्याम बाबा बहुत आगे भग रहा है, अब चलते हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है, हाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, प्लीज गिव मी साइड, अर्जेंट ट्रेन। श्याम बाबा ही रास्ता दिखाएंगे अब। गाइस 1 किलोमीटर चल लिया, पर अब पता नहीं दर्शन कहाँ पे होंगे, हमको इधर उधर घुमाया जा रहा है, पता नहीं कौन से गली गली में रहते हैं हमारे बाबा, और जो भी है दिल में बसे हुए हैं। गाइस चलते हैं चलते चलते, देखो देखो देखो, पता नहीं पूरा गांव के चक्कर लगाना पड़ रहा है अब तो हमें, मतलब सच में 15 मिनट तो हो गए अपन को चलते चलते, शायद आने वाला ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर और हो सकता है, पता नहीं रास्ता लंबा कर दिया गया भीड़ की वजह से, ये भी हो सकता है आउट क्लियर। ओ तो हम एंड पॉइंट पे पहुंच गए, देख लो चद्रों के नीचे, हम चद्रों के नीचे आ गए, चद्रों के नीचे, यहाँ से तो बहुत दूर होगा, चद्रों के नीचे आ चुके हैं, देखो चद्रों के नीचे। ओ भाई यार अभी भी चलना पड़ रहा है, क्या बताऊं, दिख ही नहीं रहा मंदिर कहाँ पे है, यहाँ बिल्डिंगों के ऊपर लाके रख दिया हमको, बिल्डिंगों के नीचे 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 हमारे ऊपर बिल्डिंगें रख दी गई, पहुंच ही नहीं पा रहे, बहुत देर हो गई घूमते घूमते, कितनी दूर से पैदल पैदल चल रहे हैं। हाँ यार जो भी हो आने वाले हैं, पैरों में छाले हो गए, आप टेंशन मत करो, आपको बाबा के दर्शन करवाएंगे। देखो झंडे ही झंडे, यहाँ से शायद भीड़ चालू है,
यहाँ पे तो जाम है गाइस, बिल्कुल जाम है मेरी गाड़ी का। इधर से भाई, जैसा झंडो वालों के लिए जाम है, लाइन है भाई, लाइन है यही से शुरू है। तो भाई उनको भी आने दो, उनको भी ट्रेन लेके वी ट्रेन में आ गए, पता नहीं कहाँ पे आ गए, पता नहीं कहाँ किधर आ गए, बट आए तो खाटू बाबा के थे। खाटू शाम पहुंच चुके हैं, वो आ गए और वो हमारे दो डिब्बे आ चुके हैं। आ जाओ तुम भी आ जाओ, तो चलते हैं रेडी। बच चुके हैं बहुत खतरनाक ट्रैफिक में, क्या बताए आपको। बाबा के इंजन लोड नहीं चल पा रहे हो हमारो, फिर भी हम कोशिश करिए जा रही है। दर्शन तो यही करवा रहे हैं, पता नहीं आगे पहुंचने भी देंगे या नहीं देंगे। लोगों के ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहे, इसी वजह से फोटो से करवा रहे हैं। और मैं दिन में आज पहली बार आया हूँ, मेरे को नहीं पता इतना मुश्किल होता है दर्शन लेट करना, बहुत मुश्किल होता है दिन में तो दर्शन करना। वैसे रात को और सुबह जल्दी अच्छे से दर्शन हो पाते हैं, मैंने हर बार किए सुबह जल्दी, या फिर एक बार शाम को किया था रात को दर्शन, और एक बार सुबह जल्दी। अब तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, इतना टाइम कभी रुक ही नहीं पाया यार यहाँ पे। आज शायद ज्यादा टाइम रोकना था भगवान को हमको यहाँ पे, इसी वजह से चलते हैं तो करते हैं दर्शन। गुलाब जल बरस रहा, बंद हो गया, पाइप लीक हो गए थे शायद, अब ठीक हो गए। अभी तो गाइस काफी आगे है, लगभग यहाँ से 10-15 मिनट तो लगेगी दर्शन होने में, बहुत आगे है देख सकते हो आप। दिख ही नहीं रहा वहाँ का, तो एरिया ही नहीं दिख रहा वहाँ का, तो बहुत दूर है, तो चलते हैं दर्शन तो करना है। ये कितना दूर एंट्री होने वाली है अपनी, बीस मीटर दूरी हो रहा है हमारे बीच की, हो चुकी है अपनी एंट्री, सामने है खाटू वाला, बहुत करीब। बोलो खाटू नरेश। आज दिन में आओगे तो कुछ नहीं हो पाएंगे दर्शन, 30 सेकंड भी नहीं रुक पाए, पहले आए थे ना हम तो। गाइस हो गए दर्शन अच्छे से तो क्या, पर हो ही गए, क्योंकि दिन में आओगे तो अच्छे से हो नहीं पाएंगे, सुबह या फिर शाम को आना पड़ेगा उसके लिए। गाइस अब चल रहे हैं घर और देख रहे हैं साधन बैठ के जाने का, यहाँ से आए तो हम बहुत मुश्किल से थे जैसा कि आपने सफर में देखा होगा, और अब हमारी ट्रेन भी लेट हो सकती है अगर हम ठीक टाइम से नहीं पहुँच पाए तो। एक ट्रेन तो निकल चुकी है हमारी, अब दूसरी ट्रेन है उसका देखते हैं सिस्टम। रुके थे यहाँ पे खाना खाने, और मनीष भाई खाना प्लेट बिल्कुल साफ कर चुका है, बहुत देर हो गई इसको खाते, आधा घंटा खाने में लगता है क्या। श्याम भाई भी तो खा कर बैठा है, देखो 15 मिनट हो गई, हाँ 15 मिनट हो गई इसको बैठे हुए खा के, और हम तो इसको देख के ऐसा सोच रहे हैं कि आगे खाएंगे। अभी भूख भी नहीं है फिलहाल, मैं खा के आया था घर से, भाई को भूख लग रही है, पर ये खाने के बाद बहुत रेस्ट करना चाहता है, तो रेस्ट यहाँ पे हो नहीं सकता, फिर वहाँ जाके खाएगा। खाले भाई खाले, देखो मुंह रेड हो गया बिल्कुल भाई का, अब ये बोलेगा कि नजर लगा दिया हमारे। गाइस खाते चलते हैं फिर खाने के बाद। गाइस हालत खराब हो चुकी है, कभी भी पैदल आने की सोचना मत, जल्दबाजी में सोचते थे जैसे मनीष का हाल, देखो क्या हो रहा है। गाइस इन्होंने बोला कि हम उसको पैदल लेके जाएंगे, बट इनकी हालत खराब हो गई, मेरी कुछ भी नहीं हुआ, देख लो आप उल्टा हो गया। आखिरी में जाके इसने बोला भाई बैठ चलते हैं यार, ट्रेन वगैरह लेट हो जाएगी, फिर सो जाएंगे, घर वाले लड़ेंगे। टोल गेट के पास आ चुके हैं अपन, रिंगस वाले टोल गेट के पास, रिंगस पहुंचने वाले थोड़ी देर में, बैठेंगे वहां से ट्रेन में, ट्रेन मिल जाएगी या शायद मिल भी सकती है, मुश्किल है, देखो कितना सा टोल है यार। गाइस आके तो बैठ चुके हैं ट्रेन में, अब देखते हैं जंक्शन तक कब पहुंचाती है ट्रेन। भाई बढ़िया है, सही टाइम पे दर्शन हो गए, और क्या चाहिए मनीष भाई। गाइस ये तो बहुत बुरी तरह थक गया, बहुत बढ़िया हाल है, देख सारा सिस्टम खराब हो गया है। गाइस मेरे बिल्कुल असर नहीं हुआ, देख ले खड़ा हूँ, फिर भी खड़ा होके जा रहा हूँ, वैसे बैठ के जाता तो सीट भी नहीं है, खड़ा ही रहना पड़ेगा।
गाइस बच चुके हैं 7 और अब आके पहुंचे अपन जंक्शन पे और होने वाली खड़ी खाट। अरे खाट क्या, ट्रेन निकल चुकी है हमारी यहाँ से। अब जयपुर जंक्शन से घर काहे में जाएंगे सोच रहे हैं, घर तो नहीं जा रहे फिलहाल, देखते हैं कहाँ चलते हैं अपन। सब कुछ बना रहेगा, व्लॉग में मिलेगा आपको, देखने तो चलते हैं। क्या बताऊँ, रात को मेरे को अंधेरा टाइप दिख रहा है चश्मा के अंदर से, चश्मा लगा रखी है मैंने। गांधीनगर गाइस हम आके बैठ चुके हैं अभी बस में, अब ये ले जाएगी पता नहीं गांधीनगर ले जाएगी, उसके आगे देखते हैं जगतपुरा चलते हैं, कहाँ चलते हैं आगे, कोई प्लान फिक्स नहीं है यार। हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है, घर जाने का प्लान हुआ कैंसिल, तो देखते हैं फिक्स पता नहीं है कहाँ पे जाएंगे। गाइस आपको थोड़ा जयपुर का एरिया दिखा देते हैं कैसा क्या दिख रहा है रात को अंधेरे में, तो गाइस आ चुका हूँ फिर बस से, अब जा रहा हूँ मैं घर पे, तो फिर प्लान यही हुआ कि जा रहे हैं घर पे हम, मेरे को मिल चुका था भैया लो फ्लोर में, तो अभी चलते हैं हम दोनों घर।